बीते सोमवार को मुंबई के किला कोर्ट ने ड्रग्स केस में आर्यन खान को 3 और दिन की कस्टडी में रखने का आदेश दिया। कोर्ट में पेशी के दौरान एनसीबी की ओर से कहा गया कि आर्यन के फोन में तस्वीरों के रूप में चौंका देने वाली आपत्तिजनक चीजें पाई गई हैं। वहीं एनसीबी के अधिकारियों ने 2 और लोगों को ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर लिया। इस बीच मुंबई पुलिस ने क्रूज शिप केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जिसमें जो बात निकल कर सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एनएन बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। बता दें कि इन्वेस्टिगेशन में ये बात कही जा रही है कि क्रूज पर पार्टी के लिए उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई थी, पार्टी से जुड़ा कोई लेटर मुंबई पुलिस को नहीं सौंपा गया। इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस डीजी शिपिंग और एमबीपीटी से बात करेगी कि शिप को लेकर क्या परमिशन दी गई है। बता दें कि फिलहाल राज्य में कोविड-19 के कारण आपदा प्रबंधन अधिनियम लगाया गया है। ऐसे में ये भी जांच का विषय है कि क्या इस दौरान धारा 188 का भी उल्लंघन किया गया, साथ ही धारा 144 भी। इसके तहत 5 से अधिक लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है, जबकि पार्टी में ऐसा हो रहा था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अनुमति देने में कई एजेंसियां शामिल हैं। जांच के बाद अगर कोई उल्लंघन होता है तो मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। इसके अलावा मुंबई पुलिस मालिक और पार्टी आयोजकों का बयान लेगी, साथ ही मुंबई पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात भी कही जा रही है। मुंबई पुलिस का कहना है कि वे जांच करेंगे कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया गया था या नहीं, यदि कोई उल्लंघन होता है तो वे आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जहाज से सामने आए वीडियो में ये स्पष्ट है कि किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। इतना ही नहीं, वहां मौजूद अधिकतर लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया हुआ था। ऐसे में माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस आईपीसी की धारा 188 और आईपीसी की धारा 144 के तहत मामला दर्ज कर सकती है। बता दें कि इस मामले पर लगातार बॉलीवुड सितारे आर्यन खान के सपोर्ट में आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में सुनील शेट्टी, हंसल मेहता, पूजा भट्ट के बाद पॉपुलर सिंगर मीका सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, इतने बड़े क्रूज में सिर्फ आर्यन ही घूम रहा था क्या, हद है। इससे पहले बीते दिनों सलमान खान और अब उनकी बहन शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंचे थे। गौरतलब है कि आर्यन को रेव पार्टी में शामिल होने के मामले में 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया है, जिसके बाद उनकी जमानत के लिए अर्जी डाली गई थी, हालांकि उन्हें जमानत नहीं दी गई। आपको बता दें कि आर्यन के अलावा 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले कुल 8 लोगों को मामले में हिरासत में लिया गया था। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।